दुनिया बोल है. दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय कैडबरी ओकेजन्स. मिठास जो दिलों में जगह बनाए. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के स्पेशल शो के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान. मेरे साथ मौजूद हैं सैरिश जुहेब. सबसे पहले तो आप सब देखने वालों को मेरी जानिब से, सैरिश की जानिब से, हमारी सारी टीम की जानिब से, बोल न्यूज की जानिब से बहुत 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 ईद की खुशियां मुबारक हों. और आई एम श्योर कि आपकी चांदरा जो है वो बहुत अच्छी गुजरी होगी और ईद का दिन भी बहुत उम्दा गुजर रहा होगा. वैसे सैरिश मुझे लगता है कि जो अब ईद है ना काफी मुख्तलिफ हो गई है. एक वक्त था कि जब ईद काट दिए जाते थे, लोगों के दरमियान अगर फासले होते भी थे तो वो थोड़ा सा दिल बहुत करीब होते थे. कामरान ब्रेक नहीं लगा रहे, वरना ये मुझसे ही गिला करते हैं कि आप ब्रेक नहीं लगाती. बात ये कामरान कि अब तो मैं ये देखती हूँ कि माशाल्लाह से बच्चे घर में खुद से हैंडमेड ईद कार्ड्स तैयार करते हैं. वो जमाना चला गया कि हम खरीदने जाते थे. तो ईद कार्ड्स अब भी चलते हैं. जो लोग इस रिवायत को, इस कल्चर को जरा वो बरकरार बहाल रखना चाहते हैं वो अब भी कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं. एनीवेज, लेकिन ईद पे जो एक फेस्टिविटी का माहौल, बिल्कुल ईदी की बात ये जरूर करते हैं. मेरी तरफ से ना ईदी इनको मिल गई है. असल बात ये है कि मैं चाह रहा था कि आपको ईदी जो मिल गई है ना, मेरे पास आपके साथ शेयर डिपॉजिट करवा दें. बिल्कुल, आपको ना अगले साल इंशाल्लाह जरूर वापसी मिलेगी. जी कामरान जो है वो छोड़े, कामरान ये ख्वाहिश आपकी ख्वाहिश ही रहेगी. एनीवेज, ईद पे जनाब हमारी तरह आप भी ये प्लान बनाते होंगे कि हमने मूवी देखने जानी है कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इस ईद को खूब इंजॉय करना है. तो हमने भी सोचा कि ईद के खास मौके पर एक बड़ी ज़बरदस्त दादल मूवी रिलीज़ हुई है तो उसकी कास्ट की मुलाकात आपसे करवाई जाए ताकि आप भी अपनी ईद का मज़ा दोबारा कर सकें. वो स्टार्स जो को आपको बड़े पर्दे पर नज़र आएंगे उनसे आपकी लाइव मुलाकात करा देते हैं कामरान. आप जिन लोगों को आज शाम को देखने जाएंगे मूवी पे, आज सुबह के औकात में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं. बिल्कुल, मोहसिन अब्बास हैदर हमारे साथ मौजूद हैं और नेहा लाज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर योर टाइम. और बड़ा अच्छा लग रहा है ईद के इस खास और सोनिया भी हमें कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगी. बिल्कुल, सोनिया भी ज्वाइन कर लेंगी. वो असल में रास्ते में है, उनको पहुंचने में थोड़ा टाइम लगे, इन दोनों को हमने पहले पकड़ लिया. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और नेहा इतनी थकी हुई लग रही है ईद के दिन भी. नेहा लगता है आपको तीन दिन से सोई नहीं है. आपको एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने काफी तंग किया है, ये थकावट की वजह क्या है? असल में फिल्म की रिलीज करीब थी तो इस चक्कर में थोड़ा ज़्यादा जाग रहे हैं. और बाकी मैंने कहा तीन दिन, मुझे तो लग रहा है जब से फिल्म की डेट अनाउंस की मैं सोई नहीं हूँ सही से. तो और ये मुझे सही से पहचान जाते हैं जब मैं इनको वॉइस नोट करती हूँ, अब आप इतनी थकी हुई हैं. मतलब ये वाहिद है जो मुझे पहचान जाते हैं कि थकी हुई हैं. तो इसलिए मौसम बताइएगा, सबसे पहले तो मूवी के हवाले से जानना चाहेंगे, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइएगा. आज ईद का दिन है और यकीनन शाम को प्लान कर रहे होंगे, तो कुछ बताएं इस मूवी के बारे में जो अट्रैक करे उन तमाम नाजरीन को कि शाम को सिनेमा जाएं और दादल मूवी जरूर देखें. मैं हूं. That is a good one. देखिए मैंने आज तक आपको फ्लॉप फिल्म दी है सिवाय एक उसका हम जिक्र नहीं करते. लेकिन मेरी हिस्ट्री अच्छी है फिल्म्स के मामले में तो डेफिनेटली आपको बहुत महसूस होने का मौका मिलेगा. और ईद मुबारक इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कामरान साहब ने पहले ही इतने सारे बहुत सारी कर दी सबकी तरफ से बोल दी उन्होंने. बहुत 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 मैं इंतजार करता कहाँ खत्म हो गए. बट यस, आपको बहुत ईद मुबारक भी हो. और ईदी आपको हम दादल की सूरत में दे रहे हैं. इसमें सोनिया हुसैन साहब हैं, इसमें रिजवान अली जाफी साहब हैं, इसमें अदनान चाटीबू साहब हैं, इसमें शमून अब्बासी साहब हैं, इसमें मायरा खान साहब हैं. सो एक बड़ी बेहतरीन और बढ़िया कास्ट है इस फिल्म की और एक बहुत मुनफरद किस्म का सिनेमा हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं. और ईद पर बाकी भी जो फिल्में लग रही हैं उनको भी जरूर देखिए. आप हमारी पाकिस्तान की फिल्म्स हैं और उनको भी सपोर्ट कीजिए, उनको भी देखने निकलिए घर से. लेकिन घर से निकलिए जरूर. जब आप घर से निकल के एक बार सिनेमा आ जाएंगे, आई अंडरस्टैंड कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, सिनेमा की टिकट बहुत महंगी है, ये सारी ग्राउंड रियलिटीज़ को मैं जानता हूँ. लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी सैरिश की तरह ईदी तो मिली होगी ना. तो अगर ईदी वो नहीं बताते ये कि इनको कितनी मिली, कब मिली, कैसे मिली, तो वो जो ईदी है उसका एक छोटा सा हिस्सा लेकर अगर आप सिनेमा तक पहुँच गए तो आप मायूस नहीं होंगे, ये मैं आपको. अच्छा एक तो एक चीज और, अभी हम लोग इसे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि दादल ये नाम एक ऐसा है कि कुछ लोगों ने इसको गूगल भी किया लेकिन उन्हें समझ नहीं आई कि कोई करेक्टर है, किसी शहर का नाम है, ये दादल का मतलब क्या है? माजरा क्या है ये? अच्छा जी, जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी इसका नाम था सलाम कराची और इसमें विलन का नाम था दादल. तो मैंने कहा मैं फिल्म की स्क्रिप्ट तो अच्छी लग रही है, फिल्म का नाम अच्छा नहीं लग रहा. तो कह रहे हैं फिर क्या करें, मैंने कहा इसको दादल कर दें. इसके मीन्स क्या, मैंने कहा इसके मीन्स जो भी, मुझे ये नाम अच्छा लग रहा है. अच्छा, ये करेक्टर है एक.
जी नहीं, अभी करेक्टर नहीं है, अब हमने दादल एक बस्ती का नाम रख दिया है। अच्छा, बस्ती का नाम। थोड़ी स्टोरी के बारे में बताइएगा, किस बारे में ये है? ये मौसम बताएंगे ना? बिल्कुल, एक्टर से पूछे। अच्छा चले, मौसम बना के थक गई है। वो एक्चुअली थकी हुई है। अच्छा, मैं इनकी हिम्मत की वजह से दाद भी देता हूँ, इन्होंने बहुत मेहनत की है। डायरेक्टर साहब ने, हमारे पूरे क्रू ने, एक फ्रॉम टी बॉय टू एडिटर्स, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उसमें डेफिनेटली इनकी भी वो सारी रातें जो इन्होंने काली की हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और बाकी जहाँ तक कहानी की बात आप लोग कह रहे हैं, कहानी बहुत बढ़िया, बहुत डिफरेंट है। और ये हम हर फिल्म के बारे में कहते हैं, लेकिन ये इस वक्त मैं रिवायती जुमला इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये एक्चुअली आपको इसके ट्रेलर से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये एक ऑफ बीट सिनेमा है, एक डिफरेंट सिनेमा है, जिसमें हमने एंटरटेनमेंट का तड़का लगा के दिया ताकि आप बिल्कुल ही बोर ना हो जाए। ये खुद है। अच्छा, इन्होंने अपनी तारीफ पहले खुद ही कर दी थी, क्योंकि मैं वैसे सारी से काम होता है ये, लेकिन ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मुझे समझ नहीं आती इसकी वजह क्या। ईद पे भी मतलब खैर, एनीवे बाकी में आपको एक तो ये बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी मिलेगी, हम बाकी में कह नहीं रहे, ये है डिफरेंट। और जो हमने वो डार्क सिनेमा पे जो तड़का लगाया ना, मौसिन साहब जो जबरू बनकर आए हैं, तो ये बड़े ब्रूटल किस्म के पुलिस ऑफिसर हैं, और आई थिंक क्राइम पार्टनर है क्रिमिनल्स के साथ, कुछ ऐसा ही? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा। बिल्कुल झूठी खबरें मत फैलाएं मेरे पास। अच्छा, ये एक इंटरव्यू में कह रहे थे, मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं ना जबरू कभी बनूं ना, और मुझे मैंने इनकी बात सुनी थी कि कह रहे थे कि मुझे एज अ हीरो इन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था, लेकिन मुझे ये करेक्टर इतना जानदार लगा कि मैंने हीरो बोला कि नहीं मैं बनूंगा। खासी लड़ाई चली है हमारी इसके ऊपर, तो खास वजह क्या थी इस करेक्टर को चूज करने की? मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, मुझे जब सरमत का किरदार ऑफर हुआ था, रिजवान जाफरी साहब जो अब कर रहे हैं, तो मैं वो पढ़ते 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 मैं जा रहा हूँ उसकी मुझे लग रहा था कि वो मुझे उस तरह से ना पकड़ नहीं रहा। और जब स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मैं जबरू तक पहुंचा, तो जबरू ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे साथ लेके चल पड़ा, तो मुझे लगा कि ये है जो मुझे करना है। तो मैं सुबह पहुंच गया ऑफिस निहाल साहिबा के, वहां पे अबू लहज़ा साहब भी मौजूद थे, मैंने कहा कि भाई ये करूंगा। इन्होंने मुझे कहा कि ये इंटरवल के बाद आएगा, और एक गाना है इसके अंदर जो मैंने आपके ऊपर ही पिक्चराइज करना है, और ये नहीं हो सकता, आपको वो गाना करना है। फिर तो लड़के फिर करेक्टर लिया, तो मैंने इनसे बसित होकर वो मैंने कहा कि अच्छा। मैं तो यही करूंगा, अगर करूंगा वरना हाँ। मैं आपके लिए मैं गाना अच्छा, अच्छा, वैसे मौसिन तो नो डाउट, वैसे अगर एक्टर की बात की जाए तो मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं कि ही इज अ वेरी गुड एक्टर, हर किसी करेक्टर के अंदर ढल जाते हैं। इस करेक्टर के हवाले से जानना चाहूंगा कि क्या आपने मेहनत की, या फिर आपको लगता था कि मैं बहुत वैसे ही कर लूंगा, मुझे इस हवाले से मेहनत करने की जरूरत नहीं है? मगर इसका जवाब मैं दूंगी, इन्होंने मेहनत नहीं की, इन्होंने बहुत मेहनत की है। ओके, और एक और वर्ड कहूंगी इनके लिए कि मेरे इन्होंने लड़के लिए ये करेक्टर, पर पहले दिन इन्होंने मुझे बता दिया कि मेरे अलावा ये करेक्टर कोई कर नहीं सकता था। और मैं दिल से थैंक यू कि ये करेक्टर आपने किया, और मुझे इनको जबरू से नफरत है और मुझे जबरू से बड़ा प्यार है। okay. अच्छा चलिए, मुझे एक बात मेहनत के बारे से बता रहे थे, क्या मेहनत की आपने, किस तरह मेहनत की? सो बेसिकली हम इस पे इस किरदार पे बैठे, और इसकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर इसके चलने, इसके खुजाने, इसके हाथ रखने, इसके बोलने तक पर हमने होमवर्क किया। इवन इसकी आउटलुक पे भी हमने काम किया कि इसकी यू नो लुक कैसी होगी। कपड़े पहनता है पुलिस वाले, लेकिन वो कैसे पहनता है, शर्ट कैरी कैसे करता है, तो अगर आप उसको बहुत कीनली देखें तो वो चेन्स कैसी पहनता है, वो ऐनक कैसी पहनता है, तो उसके रख रखाव पे बहुत काम किया गया। और फिर अच्छी बात ये रही कि जी प्लीज नहीं आप बोले, अच्छी बात ये रही कि हमने उसको अभी पूछते हैं उस किरदार को उस किरदार को ओढ़ने में बहुत ज्यादा वक्त मैंने लिया नहीं, जो कि एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। मुझे बड़ा मजा आया, हमने पहले दिन ही पहला सीन हमने लियारी में ही किया था, जहाँ पे बहुत से बच्चों के बीच वो हमने वो दर्जी वाला सीन किया था ना, वो मेरा पहला दिन था, तो पहला दिन था और पहला सीन था, और वो मोटरसाइकिल से उतर के आना था मुझे। मुझे लगता है कि उस वो जो वॉक थी फ्रॉम बाइक टू दर्जी, उसमें ही मुझे पता लग गया था कि ओके सही जगह सही तरफ जा रहे हैं हम लोग। और फिर अप्रूवल यहाँ से भी आ गया और डायरेक्टर साहब की तरफ से भी आ गया, तो हमें हम एक पेज पे आ गए कि अच्छा हम सही तरफ जा रहे हैं, अब हम इसको और पॉलिश करेंगे और मेहनत करेंगे। और उस मेहनत की मंजूरी और कबूलियत की गवाही ये है कि ये किरदार जो कि इंटरवल के बाद आने वाला था फिल्म में, इन लोगों ने मुझे एक दिन ये खबर दी कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं कि हम आपके लिए स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं और हम इसको इंटरवल से पहले लेकर आएंगे। चलिए जबरदस्त। अच्छा वैसे अभी नेहा मुस्कुरा रही थी, नेहा मुझे एक बात बताइएगा, वैसे कितने महीनों में इसकी शूटिंग मुकम्मल हुई थी, और कोई एक ऐसा वाकया जो आपको हमेशा शूट के दौरान जो हुआ याद रहेगा, फड्डे से हटके? फड्डा तो नहीं हुआ ना कोई झगड़ा हमारा, कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं, अच्छा वैसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, अच्छा कोई ऐसा दैट इज अ गुड वन। प्राइस लिए थी, बहुत मेहनत की है, मगर जो अल्फाज अदा किए ना मौसिन साहब ने, इनका अपने लहजा सुना है, इनकी गुफ्तगू सुनी है, तो जबरू जब जबान से
सिर्फ गालियां देगा तो फिर आपको सोनिया ने बताया गालियां बहुत है। आप दोनों की इतना और आप यकीन नहीं करेंगे इनके, इन्होंने उस करेक्टर को जिया है। मतलब अगर ये किसी चेयर पे भी बैठ के ना मोड़ के भी किसी से बात करें तो ये ना अपने आप से कैमरा नहीं हिलने दे रहे थे। वेरी नाइस। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि हमारे घर में इस वक्त बहुत से नाजरीन हैं, वो प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारे पास मोहसिन साहब मौजूद हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप मौजूद हों और गाना ना हो तो हम चाहेंगे गाना सुनाएं, फिर उसके बाद हम ईद के हवाले से बात एक रैपिड फायर है मेरे पास, फिर वो करेंगे। अरे ठीक है ठीक है, रैपिड फायर बड़े पसंद है। अच्छा पहले पहले आप गाना तो सुनाए ना। गेम्स रैपिड फायर खेलते रहो मेरे साथ, बिना बिठा के पूरी रात। बहुत खेला है अभी किसने रैपिड फायर? मैंने आपने नहीं, मैं बहुत गेम खेल चुकी हूँ फिल्म को लगाने में। अभी दिमाग दुनिया ने गेम कर दी आपके साथ। नहीं नहीं अलहमदुलिल्लाह, फिल्म लगा देना ना सिनेमा पे, यही बड़ी बात है। बिजनेस करे ना करे, हिट हो फ्लॉप हो, नहीं इंशाल्लाह जरूर होगी। आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं ये भी आपसे पूछेंगे। मोहसिन गाना कुछ हो जाए, अच्छा सा गाना। जी प्लीज, मैं बिल्कुल हाजिर। मुझे हमेशा लगता है कि ये गाना मैं इसलिए बारहा गाता हूँ क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि वो पैगाम है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिल तक पहुँच जाता है। और मुझे अक्सर इंस्टा पे ना मैसेजेस आते हैं कि मैं ड्रग एडिक्ट था और मैंने आपका ये कलाम सुना और मैंने वो छोड़ दिया, तो मुझे लगता है ये इतना इंस्पायरिंग है कि मुझे इसको बार बार सुनाना चाहिए। जावे ना खुर खुर सल्ले अला दा बिरद पका के मुर्शद दे हथ टोर फड़ा के वाह वाह उड़ी जा वाह वाह क्या बात है ना। वेरी बिग फैन ऑफ दिस सॉन्ग बाय द वे, मैंने बहुत सुना हुआ है और इसके बाद में आपका मजीद बड़ा फैन बन गया था। रैपिड फायर आप बिल्कुल रैपिड फायर जनाब शुरू करते हैं, रेडी हैं आप? तो जनाब रैपिड फायर में पहला सवाल मेरा आपसे ये कि एक दिन पहला काम, नमाज पढ़ना, उसके बाद सोना। यानी कि ईदियां देने से बचने का बेहतरीन तरीका है सोना। ईदी देने तक के लिए हमें शाम का इंतजार करना पड़ता है। अच्छा, निहारी या कबाब फ्राई? निहारी। इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान खान। ओके, बिरयानी या पुलाव? पुलाव। वेरी नाइस। कराची किंग्स या लाहौर कलंदर्स? कराची किंग्स। आधे कराची बने उन्होंने बताया था। दैट मींस मैंने कहा हां, वो पापा भी तो निभानी है ना। बीफ हलीम चिकन हलीम? बोथ। फेवरेट डेस्टिनेशन डोमेस्टिक? फेवरेट डेस्टिनेशन नॉर्दर्न एरियाज, कहीं भी ले जाओ, पहाड़ों पे जाके छोड़ दो मुझे, तन्हा छोड़ दो मुझे। ओह माय गॉड। फेवरेट डेस्टिनेशन इंटरनेशनल? इंटरनेशनल यूएसए। यूएसए के कुछ रोड्स बहुत पसंद है मुझे। चाय या कॉफी? नन, मैं दोनों नहीं पीता। लस्सी भी दें आप? नहीं नहीं, मैं भी शायद या सोनिया। मैं भी शायद या सोनिया, मैंने सोनिया साहिबा के साथ ज्यादा काम किया तो सोनिया। अच्छा, इस साल का ईदी रेट क्या है? ईदी रेट क्या है ये बच्चे डिसाइड करेंगे। आपको नहीं मिलती? अब मिलती है मुझे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे देने वाले कम है लेकिन जो देते हैं वो तगड़ी। अच्छा, सबसे ज्यादा किससे मिलती है? खाला से, खाला माँ मेरी। अच्छा, मतलब खाला माँ इसलिए कहता हूँ कि she is the one who brought me up, who adopted me, so मेरी चार माएँ हैं, so I am very happy. फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? नुमान एजाज साहब, सानिया सईद साहिबा। एक्टिंग या सिंगिंग? बोथ। बारबेक्यू या फास्ट फूड? बारबेक्यू इतना खाया है डाइट कर करके मर गया हूँ मैं कि मुझे अब लगता है कि फास्ट फूड मुझे कहीं भी खिला। टेलीविजन या फिल्म? फिल्म ऑफ कोर्स। शमून के बारे में मैं उनसे पूछती, लेकिन शमून हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। हाँ। क्योंकि मेरी तो वैसे बड़ी ख्वाहिश थी उनसे मिलने की। आप फेवरेट एक्टर कौन सा है? नहीं नहीं, पहले इनसे पूछ लें कि फेवरेट एक्टर है कौन सा, ये फिल्म में या वैसे ओवरऑल? वैसे ओवरऑल आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? ओवरऑल अगर आप पूछना चाहते हैं तो इरफान खान साहब। अच्छा ओके, आपका वैसे फेवरेट एक्टर कौन सा? मैं अमिताभ साहब, आमिर खान। अभी तो रेखा भी पसंद होंगी आपको। नहीं, पर मुझे इरफान साहब भी पसंद है। अच्छा, मैं एज एन एक्टर बात करूं क्योंकि मैं उस लीग में जाना चाहता हूं, आप वैसे अपना क्रश बता रही हैं। अच्छा, शमून शमून राइट नाम ले लो। नहीं, आप वैसे इनसे बड़ी क्वेश्चन तो आप ले भी सकती हैं क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि पूरी कास्ट में सिवाय इनके इन्हें किसी ने तंग नहीं किया। एक्चुअल केमिस्ट्री जो है ना, वो बेसिकली मैं तंग नहीं करता, मैं बिल्कुल तंग नहीं करता। नहीं नहीं, इन्होंने मुझे तंग नहीं किया और मैं रिजवान के साथ रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, मैं बिल्कुल तंग नहीं करता, मैं बहुत इजी गोइंग आदमी हूं, मैं बहुत नो 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 किसी 20 साल से मेरे करियर के 20 साल में आज तक मैंने किसी सेट पे कोई बुरा इंसिडेंट, कोई ऐसी इवेंट
कभी कोई मेरी एक्स्ट्रा टेंट्रम्स नहीं है, मेरी एक्स्ट्रा डिमांड्स नहीं है, ये भी मेरी डिमांड नहीं है, मेरा लाड है, ये मेरी डिमांड नहीं है। सो कॉफी चाय बहुत ज्यादा लगी तो एंड में ना शमून के पाँव पे कहते हैं, शमून मुझे अक्सर दादा या अम्मा कहते हैं ना, तो कहते हैं यार दादा इसको बहुत जोर से फाइट आई हुई है, थोड़ी देर बिठा दो आप ही बिठा सकती हैं, ये नहीं बैठ रहा। अच्छा वैसे वो अवेलेबल नहीं है, वरना मैं उनसे ये जरूर पूछती हूँ, हमेशा नेगेटिव रोल क्यों करते हैं, जहाँ वो नजर आएंगे ना यहाँ वही कान में एक बाली, सर गंजा और वो नेगेटिव विलन वाला रोल। इधर तो ऐसा ना वो गंजे है ना वो कान। नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ कि मैंने उनको जब देखा बड़े नेगेटिव रोल में देखा है उनको मैंने। आप ठीक है, इसका जवाब ऐसे उनसे लेना जरूर चाहिए, वही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं आपसे। मैं उनके लिए कुछ टाइप कास्टिंग के शिकार हैं, हम जैसे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनको जो अप्रोच करते हैं, हमने जैसे आपको तो ज्यादातर उनको लोग विलन में ही अप्रोच करते हैं। नहीं वैसे हम, आपका क्या ख्याल है यहाँ पे, हम ये भी एक चीज देखते हैं कि जब भी किसी एक्टर पे कोई एक चीज हिट हो जाती है वो अच्छा उसमें लग जाता है, फिर उसके बाद आपको उन्हीं रोल्स के अंदर वो आपको एक्टर दिखाई देता है। ऑडियंस फिर हजम नहीं करती ना, अगर आपको विलन है फिर उसके बाद अगर आप उसको हीरो लाए तो कभी ऑडियंस उसको हीरो एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमने वैसे देखा है कि शाहरुख खान की मिसाल ले लें, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ यहाँ पे इस चीज की, मैं आपके पास जिंदा मिसाल बैठा हूँ वैसे। मैं आपका ये एक एक्सेप्शन है कि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जैसे अगर मैंने मेरी गुड़िया में एक नेगेटिव रोल किया था सोनिया हुसैन साहबा के साथ ही किया था, लेकिन अगर मैं सियानी में जब एज अ हीरो एक सिंपल सूट बूट वाला हीरो आया हूँ तो भी वो इट वाज अ यू नो रिकॉर्ड ब्रेकिंग। ये ना ब्लेसिंग होती है, ठीक है, वो अप पर है। अच्छा वैसे एक बात और भी है, हमारी सोसाइटी में ना स्पेशली कराची में पुलिस वालों का इमेज वैसे बड़ा नेगेटिव है, और ये मूवी आप लोगों ने कराची के इलाके लियारी से ही रिलेट की है, तो ये पुलिस का इमेज आप लोगों ने ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की, उसको नेगेटिव ही क्यों दिखाया? हमने पुलिस का इमेज ठीक ही रखा है, मुझे सिंध पुलिस से बहुत मोहब्बत है। हां, क्योंकि इनकी हिस्ट्री बताती है, इन्होंने पहले चौधरी पे फिल्म बनाई, उसमें सिर्फ पुलिस नजर आएगी आपको चारों तरफ, और जब आपकी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन द एंड जो सारा गंद है वो जबरू ही साफ कर रहा है। ओके, अच्छा थोड़ा ईद के हवाले से बात कर लेते हैं, ईद होती कैसी है आपकी, ईद का दिन आपका कैसे गुजरता है यूजुअली, और डिफरेंस क्या फील करती हैं? अब तो आपकी मूवी रिलीज हो रही है, I'm sure कि आप मसरूफ भी होंगी, मुझे प्लान्स भी पूछेंगी ना, तो इससे पहले जब आप ईद गुजारती थी तो उसमें और अब में फर्क क्या दिखाई देता है आपको? ईद में मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमेशा ईद के तीनों दिन खाना मैं ही बनाती हूँ। ईदी मिलती है आपको? आपको ईदी मिलती है घर या बस देती है? सबसे बड़ी हूँ, अब फादर नहीं है तो ईदी नहीं मिलती। अच्छा, देती है बस आप? चलें जी। इसके बाद इंशाल्लाह बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आज ये मूवी रिलीज भी हो जाएगी, लोग देखेंगे, भी आपने निकलना है, देखनी है मूवी, आगे क्या प्लान्स हैं? मतलब जो सिचुएशन अभी है, लोग तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, सिनेमा बंद हो रहे हैं, मुआशी तौर पर हालात इतने खराब है, लोगों को पैसे नहीं है, कहाँ चलेंगे सिनेमा, क्या सोच रही हैं आप? मैं तो 3 स्क्रिप्ट रखकर बैठी हूँ और बनाने के लिए। हम बनाएंगे तो वो लगा ही देंगे। अच्छा, okay. मैं तो बनाऊंगी, बड़ी अच्छी। पर उम्मीद है वैसे आगे सिनेमा की हालात को आप देखती कैसे हैं? आगे आप समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर, आई एम श्योर के बॉलीवुड जैसे हालात या हॉलीवुड जैसे हालात तो एकदम से नहीं पैदा हो सकते, लेकिन उस तरफ क्या हम जा रहे हैं, पॉजिटिव की जानिब हम लोग गामजन है या फिर बैकवर्ड बैक जा रहे हैं? हाँ, हम बहुत ज्यादा कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और बहुत वहां तक जाने का सोच भी नहीं रहे। अच्छा, तो क्योंकि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। ओके, बिल्कुल अगेंस्ट चलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते ना, प्रोडक्शन हाउस एक्टर्स में भी चलता है, डायरेक्टर्स में भी चलता है, हम एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करते। स्क्रिप्ट तो रख के बैठी हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म मेकर्स के दरमियान, ये कंट्रोवर्सीज क्या हैं और क्यों चल रही हैं? एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा आ जाएगा, बना रहे ऐसे बना रहे हैं, वजह क्या है? असल में देखिए, हम फिल्म बना के देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, फिर जब वो लगा लेते हैं, उनको पेमेंट लेट मिलती है, वो प्रोड्यूसर को लेट करते हैं, तो फिर रेवेन्यू को लेके भी सुना है कुछ बातें, स्क्रीन्स के हवाले से भी बहुत से सवाल उठते हैं कि स्क्रीन्स आपको नहीं मिलती है, क्या ऐसा भी है? देखिए, मेरी पहली जो फिल्म लगी थी उसके अंदर कई जगहों पे शो टाइम्स थे और वो सिनेमास पे उस टाइम पे लगी भी नहीं थी फिल्म। अच्छा, तो ये भी इश्यूज हैं, तो ये फिर हमें प्रॉब्लम होती है कि आप लोग एज अ डिस्ट्रीब्यूटर उसको चेक तो करें, फिर हमने अगर फिल्म लगाने के लिए दे दी है तो आप लोग पब्लिसिटी तो उसकी करें, उस पर जैसे सिनेमास में पिक्चर्स लगनी है, जा जाके देखना पड़ रहा है,
कि मैं लास्ट टाइम अपनी फिल्म के लिए गई तो फैसलाबाद में कोई पोस्टर नहीं लगा हुआ था। जब मैं पहुंची तो मैं तो बहुत थकती हूँ, मैं चली गई। जी जनाब, ईद का ख़ास मौका है और हम लोगों की तरह सभी की कोशिश होती है कि ईद पे कज़न्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ मूवी का प्लान लाजमी किया जाए। तो ऐसे में बड़ी ज़बरदस्त सी मूवी है दादल, जो कि ईद उल फितर पर कामरान रिलीज़ हुई है और कास्ट भी बहुत ज़बरदस्त ही है। तो हमने आज आपके लिए सरप्राइज़ रखा है कि दादल की कास्ट से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं और किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, बहुत स्वीट सी हैं, वेरी डाउन टू अर्थ। सोनिया हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। Sonia, thank you so much for your time. Thank you. MashaAllah, as always, we are looking Eid really pretty. Eid Mubarak. Thank you. Eid Mubarak. और मुझे क्या बताया? आप तो भी। मैंने कहा आप left out भी ना करें। लड़कियाँ मिल जाती हैं, बातें खत्म ही नहीं होती। और सर्विस जब बोलना शुरू करती हैं तो वैसे मुझे break मुश्किल से लगता है। Again, women. अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि movie का experience कैसा रहा? Script कैसा था? और आपने क्यों choose किया इस character को? बड़ा जबरदस्त था वो, कहते हैं ना, वो सिंफ में नाजुक ना समझे आप, खवातीन को सब कर सकती हैं, ये आपने साबित किया इस मूवी में। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने। कैरेक्टर एक्चुअली जब जो मेरे डायरेक्टर हैं वही राइटर भी हैं इसके, तो वो ही कह रहे उनके बकौल, उनके आई विश वो अभी बात कर सकते हैं इस बारे में, बकौल उनके उन्होंने जब मुझे स्क्रिप्ट लेकर आए तो कहने लगे बस मुझे बात करनी है आपसे बात। उस वक्त इवेंचुअली मेरे पास डेट्स नहीं थी तो वो डिले होता गया मंथ्स पे। तो 6 महीने बाद जाके मेरी जब अबू अलिया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये एक एक डायलॉग लिखते हुए मैंने आपको अपने दिमाग में रखा है। अच्छा। तो कहने लगे कि अगर ये आप नहीं करेंगे तो शायद ये मैं मूवी शेल्फ कर दूंगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी पहली बार। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि टू सम एक्सटेंड ये एक ब्लेसिंग भी है कि आपको अलग अलग किरदार दिए जाएँ, वरना यूजुअली आर्टिस्ट की सिर्फ यही शिकायत होती है कि हमें तो एक ही तरह के स्क्रिप्ट आते हैं, वही रोने धोने वाले, वही बेचारी बहू और ये और वो। तो मुझे लगता है कि इसलिए मुझे अल्लाह का बड़ा शुक्र करना चाहिए कि स्क्रिप्ट में बहुत शुरू से मेरे करियर में वैरायटी रही। तो ट्रेनिंग भी आपने की इस हवाले से, लाइक व्हाट वाज इट लाइक कि आपने जब ट्रेन कर रही थी इस करेक्टर को समझने के लिए और इस करेक्टर में ढलने के लिए, सारा प्रोसेस वो क्या था? बता दूं, एज अ टारगेट किलर, या शी इज अ टारगेट किलर, ये टारगेट किलर है, आप इस ऑडियंस में इनका टारगेट है। एक्चुअली इंसान को कभी कभी कितना दिल करता है कि कोई इंसान पसंद नहीं आता बस मार दो। नहीं, लेकिन मतलब वायलेंस की बात नहीं है, लेकिन जी ये एक था कि एक डिफरेंट कैरेक्टर है। हमने हमेशा देखा कि मर्द हजरात इस तरह के कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, कभी खवातीन को इस तरह करते हुए देखा। तो मुझे लगता है पाकिस्तानी सिनेमा के लिए भी एक चेंज है कि आप एक खातून को बॉक्सिंग करते हुए देखेंगे, आप एक खातून को पिस्टल चलाते हुए देखेंगे। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि एक मुश्किल थी। वैसे ट्रेनिंग का पूछे मत, ओ गॉड, मैं जब ट्रेनिंग करने जाती थी तो लिटरली मैं सुबह बस ऐसे उठती थी। अच्छी तरह खा पी के जाती होंगी, मतलब खाली पेट वाला काम? नहीं, तो नहीं, नहीं खाली पेट जाते, खाली पेट जाते, जाते थे, खाली पेट जाते थे, वरना आप वॉमिट करते, बिल्कुल प्यू कर देते। तो सुबह जब मैं उठती थी तो लिटरली मेरी टांगे बस बेड से हिल नहीं पा रही होती, तब मुझे एहसास होता ओह अच्छा मैंने रात को ट्रेनिंग की है। तो वो जो स्पेल था पूरा ट्रेनिंग वाला वो बहुत, लेकिन मैंने मूवी का टीजर देखा, इंशाल्लाह ये पे ऑफ करेगा आपको जो आपने इतनी मेहनत की है। इंशाल्लाह थोड़ी सी बात कामरान ईद के हवाले से कर लेंगे। मैं चाह रहा था बल्कि पूछूं मैं, क्योंकि अब ईद का मौका है, आज ईद का पहला रोज है और यूजली जैसे सहरिश ने भी बताया कि ईद वाले दिन बहुत से लोग मूवीज देखने जाते हैं, आप भी यकीनन जाती होंगी। वो वक्त जब आप किसी और की मूवी देखने जाती थी और आज जब आपकी अपनी मूवी रिलीज हो रही है और आप देखने जा रही हैं, कैसा फील कर रही? ऑब्वियसली अच्छा लगता है आपको कि आप कभी सोचा था वैसे कि जब कोई और मूवी बड़े पर्दे पे कोई और खातून मौजूद हैं और आप सोचती यार काश मैं भी कभी यहाँ पे होंगी? नहीं नहीं, कभी भी नहीं सोचा था और अभी भी नहीं सोचा, अभी भी मुझे लगता है अच्छा। अच्छा ये मैं हूँ। अच्छा, बाय द वे कामरान को भी एक्टिंग का काफी शौक है, ये भी खुद को ख्वाबों में ना बड़े पर्दे की स्क्रीन पे देखते हैं। नाज़रीन मैं आपको बता रही हूँ, तो ये भी ईद पे हम आपकी फिल्म देखने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा आगे करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए ईद का दिन कैसे गुजारती हैं आप? ईद बस यही होता है कि सुबह उठते हैं, क्योंकि आई थिंक ईद एक ऐसा स्पेशल इवेंट है जब आपकी पूरी फैमिली साथ आई हुई होती है, और इवेंचुअली इस दफ़ा तो मेरी बहन भाई भी बाहर से आए हुए हैं अमेरिका से, तो अब ये है कि पूरी एक फैमिली साथ बैठेगी, वरना यूजुअली सबकी टाइमिंग्स अलग होते हैं, अलग खाना खा रहे होते हैं, अलग सो के उठ रहे होते हैं। तो मुझे लगता है ईद एक ऐसा त्यौहार है जब लोग एफर्ट करके पूरी फैमिली बैठती है। ईद मिलती है? हाँ मिलती तो है, अब थोड़ी कम आ गई है। सहरिश के पास बहुत से पैसे हैं वैसे, सहरिश आज ना मैं बल्कि मुझे बदनाम कर रहे हैं कब से, मतलब आज सहरिश सबको पैसे बांट रही है, आजकल क्राइम रेट बहुत बड़ा हो गया तो रास्ते में कोई पीछे। अच्छा मुझे ये बताएं, ईदी लेने वाले अब ज्यादा हैं, मिलती तो आप बता रही कम है? लेकिन मिलती पहले बहुत थी, इसीलिए मुझे बचपन बड़ा पसंद। देती किस किस को है? सहरिश वैसे लेने में भी कभी देर नहीं करती है, आप देंगी तो हम इनकार नहीं करेंगे। अच्छा बताएं किस किस को ईदी देती है? नीस को मेरी जाती है, मेरी बहन भाइयों को जाती है, ऑब्वियसली हमारा जो डोमेस्टिक स्टाफ है उसको जाती है, सब बड़ा
रिस्पेक्ट करते हैं ऑब्वियसली कि बड़ी समझते हैं तो हाँ मतलब मिलती कम है अब जाते जाते जी जी पेरेंट्स से पे अरे मामू चाचा सबसे ही मिलती है। और खाने में वैसे पसंद कि आपको ईद वाले दिन कुछ एक्सपेक्ट करती हैं कि आज मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा बना होगा यूजुअली लाइक यू नो यू आर वेरी फिट तो आई एम श्योर कि आप डाइटिंग पे भी फोकस करती होंगी कि यार मीठा मेरे डाइटिंग नहीं। अच्छा पसंद क्या है वैसे मुझे मैं एक्चुअली शाही टुकड़े बड़े अच्छे बनाती हूँ। अच्छा जी तो वो मुझे अपने शाही टुकड़े की अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ लेकिन नहीं वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे बिरयानी बहुत पसंद है तो वो ईद पे खाने में बहुत मजा आता है और हमारे घर में चपली कबाब बनते हैं तो ओके सैरिश को वैसे बनाना नहीं आते लेकिन अगर आप उसको खिलाएंगी जरूर खाएंगी। मोस्ट वेलकम प्लीज इस शो के बाद चलते हैं। अपने शौक है ना वो सारे मैं समझ आ रही है मुझे। दादल के बारे में मुझे ये बताएगा कि आपको जब उन्होंने ये बोला कि भाई ये करेक्टर है और आपको उन्होंने बोला अगर आप नहीं करेंगी तो हो सकता है कि आप इसको साइड पे वो कर दें तो इस दौरान वो ऐसा क्या नया था जो कि आपने एक्सपीरियंस किया और आप वो शेयर करना चाहती हैं और इस मूवी के थ्रू आप लोगों ने सोशल मैसेज क्या दिया। देखिए अच्छा वैसे ये होता है कि समझते हैं कि अच्छा मैं कोई ड्रामा कर रही हूँ तो कोई सोशल मैसेज होगा तो इस मूवी में ऐसा सोशल मैसेज तो नहीं मिलेगा लेकिन आपको एक डिफरेंट साइड ऑफ द वर्ल्ड देखने को मिलेगा जो कि यूजुअली फिल्मों में नहीं उस तरह से आप देख पाते। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि लियारी का वो एसेंस जो आज तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया था वहाँ का स्पोर्ट वहाँ के लोगों का पैशन वहाँ का आर्ट मुझे इस बारे में नहीं पता था। जब मैं पहली दफ़ा गई तो वहाँ मैंने इतनी बड़ी साइकिल देखी राउंड अबाउट में बनी हुई थी। आई डोंट नो आप कभी गए अगर आपने देखा होगा तो मैंने कहा कि क्या मतलब साइकिलिस्ट होते हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा दुनिया के सब पाकिस्तान के सबसे अच्छे साइकिलिस्ट यहाँ से निकलते हैं बॉक्सर्स निकलते हैं वहाँ पर हॉकी वहाँ से खेला जाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल खेला जाता है और रैपर्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वैसा नहीं है एक्सपोजर उसके अलावा प्लेटफॉर्म वैसा नहीं दिया जाता कि कराची के रहने वाले लोग हैं वो तक वहां तक नहीं पहुंचे और बिल्कुल बिल्कुल उनकी रसाई नहीं है बड़े अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मेरे जहन में है मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगी इस मूवी के लिहाज से कि ऐसे टाइम पे रिलीज हो रही है जब इकोनॉमिकली मुआशी तौर पर हमारे मुल्क में हालात अच्छे नहीं है वो लोग जो हर महीने एक मूवी ज़रूर देखने सिनेमा जाते थे वो भी अब 3 महीने में एक मूवी देख रहे हैं तो ऐसे में आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। देखिए ईद एक ऐसा त्यौहार होता है जहाँ आप फैमिली के साथ बाहर जाते ही जाते हैं और हमारे यहाँ ले देखिए पाकिस्तान में कितनी एंटरटेनिंग चीज़ें या तो आप फैमिली के साथ रेस्टोरेंट जा सकते हैं या फिर दूसरी है कि मूवी देखने तो ईद एक ऐसा त्यौहार है कि जहाँ लोगों को एक मौका मिलता है कि हाँ जाके सब फैमिली एक फिल्म देखे तो और जब एक लड़की को एज अ टारगेट किलर देखना हो तो फिर तो लाजमी अब बहुत गालियाँ इसके अंदर बस फिर तो और दूसरा जनाब एक बात ये भी है कि खातून खूबसूरत भी हो टारगेट किलर भी हो तो मेरा ख्याल है कि वो वैसे लेट जाते होंगे क्योंकि हम मार रहे हैं आप मुझे मार लो। मुझे पता चला है कि मोहसिन ने गाना भी गाया इस मूवी में। नहीं गाया नहीं है मुझसे सारे लोग सवाल करें कि आपने मोहसिन का गाना क्यों नहीं गाया। अच्छा ये इस फिल्म के गाने मैं बनवा चुकी थी मैं म्यूजिक लवर हूँ तो मेरे पास अभी भी आगे आने वाली फिल्मों में एक एक दो दो गाने सबके रेडी हैं okay. एक फिल्म मेरी खलबली आ रही है जिसमें मैं राहत साहब का गाना करवा चुकी हूँ okay. तो ये एक गाना था इसमें जो उन्होंने किया है okay. यानी मैंने सही सुना है परफॉर्म किया है परफॉर्म किया है वो गाना जाबिर अब्बास साहब ने गाया बिल्कुल और वो गाना है मस्ती का चैम्बर तो वो गाना उस वक्त मेरी मौसम से मुलाकात नहीं थी तो पूरी इंडस्ट्री में मैं अटक गई थी कि ये गाना यही करेंगे तो एंड में इन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे जबरू नहीं करा रही तो मैं आपके लिए गाना कर देता हूँ। मैंने कहा मैं आपकी फिल्म में ना एक मेल आइटम नंबर कर देता हूँ। फिर वो गाना सरमत से शिफ्ट होके इनके ऊपर आया। मुझे क्या पता है नेटफ्लिक्स का अपना पासवर्ड है या शेयर करते हैं किसी के साथ? मैं यूज ही नहीं करता नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स देखते ही नहीं है आप? मैं मुझे फिल्म देखनी होती है मैं किसी दोस्त वोस्त के साथ देख लेता हूँ घर जाके देख लेता हूँ मेरे घर में टीवी नहीं है। मैं देखने का वैसे शौक है आपको मूवीज? मूवीज देखने का शौक है मैं सीजंस नहीं देख सकता मुझे आप बहुत देर बांध कर नहीं बिठा सकते किसी भी चीज के लिए मैं बहुत जल्दी कंसंट्रेशन जल्दी डिवाइड हो जाती है। हाँ मुझे आप फिल्म दिखा सकते हैं लेकिन मेरा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा अगर आप मुझे एक सीजन दिखाने में। अपनी मूवीज वैसे मैं पूछना चाह रहा था कि जब देखते हैं तो आप क्रिटिसाइज करते हैं कि यहाँ पे ये और चीज अच्छी हो सकती थी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत ही परफेक्ट हुआ है। हाँ मुझे ये होता है कि इसको इम्प्रोवाइज और कैसे कर सकते थे क्योंकि मेरे अंदर का जो सिंगर है उसको भी ये मसला है और एज एन एक्टर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको मैं और कैसे करता। मैं ये नहीं सोचता कि इसको मैं बेहतर कैसे करता। बेहतरी की गुंजाइश तो हर चीज़ में होती है जैसे आप फरमा रही हैं लेकिन वो ऑडियंस डिसाइड करती है। कभी कभी आपको एक बहुत लेम सीन लगता है वो ऑडियंस को पसंद आ जाता है कि कभी कभी आप बहुत मेहनत करते हैं और ऑडियंस कहती है कि ये क्या था। सो बेसिकली मैं सिर्फ उसमें ये देख रहा होता हूँ कि अच्छा मैंने लेट से मैंने ये कहा है कि कैसी हो तुम मैं इसको ये भी कैसे तुम कैसी हो
यू नो, यानी मैं उसको 10 तरह कहकर देखूंगा, मैं इंप्रोवाइज करूंगा उसको। तो मैं ये सिर्फ सोचता हूँ कि यार अगर मैंने ये हाथ रख के यूं किया तो मैं यूं भी तो कर सकता था इसको, मैं उस तरह से जरूर देखता हूँ। इंप्रूवमेंट वाली बात मैं कभी भी नहीं सोचता, क्योंकि वो ये डिसाइड करेंगी, डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। आप मुझे अगर जैसे मैं अपनी पहली फिल्म में भी मैंने नबील कुरैशी को ये बात पहली बार में कही थी, मैंने कहा अगर मुझे बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ दोगे ना तो मैं सब कर दूंगा जो मुझे आता है। अच्छा, मुझे रोकना जहां पे तुम चाहते हो कि बस मुझे इतना चाहिए तुमसे। वैसे आपको बचपन से ही शौक था, आपने सोचा था कि आपको इतना कुछ मिल जाएगा या फिर एकदम से ही आपके लिए खुद सरप्राइज था? ओके, आई एम नॉट अ प्लानर। मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया। आज पूछेंगे 10 साल बाद आप क्या करोगे तो मुझे कुछ नहीं पता। मैं एक एक दिन करके जीने वाला आदमी हूं, सो मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए ये सब प्लान किया गया है। तो वो खुद ब खुद चीजें होती चली गई और अब होती चली जाती हैं। मैंने एक और इंटरव्यू में भी कहा था कि ना मैं उन पार्टीज में जाता हूं जहां पे ये डिसाइड होता है कि कौन से मैगजीन के कवर पे कौन आएगा, ना मैं उन पार्टीज में उठता बैठता हूं, ना मैं उन गैदरिंग्स में उठता बैठता हूं कि जहां पर ये डिसाइड होता है। मैं तन्हाई पसंद एक आदमी हूं, मैं एक इंट्रोवर्ट आदमी हूं। आप मेरे घर वाले, मैं अपने घर वालों को ये कहता हूं कि पूरे बसूख से ये बात कहा करो कि अगर मोहसिन काम पे नहीं है तो वो घर पे होगा। अच्छा, और बचपन से वैसे आपको शौक था एक्टिंग का, वैसे आपको किसी ना किसी लेवल पे कभी शौक तो रहा होगा ना? लाइक जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बचपन से एक बॉलीवुड के मुतासरीन में से हूँ। अच्छा। शाहरुख खान साहब के मुतासरीन में से हूँ ये कहना चाहिए। और उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज तक पहुंचा तो कॉलेज में जाकर फिर मैंने थिएटर बहुत सारा किया, वहां से फिर पुख्ता हो गया कि अच्छा यही काम है। मुश्किलात वैसे क्या क्या पेश आई आपको वहां, लाइक जहां पर आप हैं वहां तक पहुंचने के लिए आपको, लाइक इट वाज स्मूथ सेलिंग या फिर बीच में बहुत सी मुश्किलात भी? मुझे लगता है अब तो 20 साल हो गए हैं इस दश्त की सयाही में, तो मुझे लगता है कि जितने मैंने इंटरव्यूज दे दिए ऑलमोस्ट सब लोगों को मेरी स्ट्रगल के बारे में पता है। और हम सब अपने अपने हिस्से की स्ट्रगल करते हैं, हम किसी पे एहसान नहीं करते, आप मैं हम सब अपने अपने हिस्से की स्ट्रगल करते हैं। उसको फ्लॉन्ट किया करें, उसको चेरिश किया करें। मैं उन मुश्किलात को मुश्किलात इसलिए नहीं गर्दानता कि मुझे लगता है कि अगर वो मेरे हिस्से में ना आती तो मैं क्या करता। चलिए, स्पोर्ट्स में आप क्रिकेट तो माशाल्लाह खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट ही पसंद है, फुटबॉल भी खेलते हैं, फारिग वक्त में घर पर करते क्या हैं आप? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं अगर एक्टर नहीं होता तो मैं क्रिकेटर होता, क्योंकि मैं पहली बार जब घर छोड़ के पिंडी गया था तो मैं क्रिकेट खेलने गया था अंडर 19 के लिए। पहली सैलरी क्या थी? पहली सैलरी थी 350 रुपये, रेडियो से आए थे। 350 रुपये रेडियो से? कौन सा साल था ये? मैं 4 शोज करता था हफ्ते के और मुझे मिलते थे 800 रुपए, 800 रुपए एक हफ्ते के। तो नहीं, लिटरली आप बहुत बड़े बताइए ताकि लोगों को पता चले। और वो बहुत बड़ी रकम होती थी, मैं इतना खुश होता था। अच्छा, ऐसे बहुत सारे सवाल है। एब्सोल्युटली, मैं बताऊं 100 रुपए की एक शर्ट मिलती थी उस वक्त मुझे। जी बिल्कुल। तो मैं अपना हिसाब किताब लगाता था वहां पे, अगर महीने बाद मेरे 2200-2500 भी हो जाते थे तो आई वाज द लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ एट दैट टाइम। और मैं अपनी इतनी खरीदारी करता था, मेहनती आदमी था ये। मैं एफएससी के एंड पे था, तब मैंने रेडियो शुरू किया था ना। वेरी, आपकी बात बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि उस वक्त तो आपके लिए वो पैसे ना, हाँ जी हाँ जी, लाखों रुपए से। जब ये मैं आपको फैसलाबाद की बात बता रहा हूँ, सिटी एफएम 89 की, जब मैं कराची आया था अपना कराची एफएम 107 पे जब मैं आया था, तो तब सबसे ज्यादा पैसे लेती थी जुबैदा तारिक साहिबा, सबसे ज्यादा उनको उनके शो के पैसे मिलते थे। वरना तब भी रेडियो पे मुझे यहाँ पे आकर मेरी सैलरी थी 3000 रुपए, जिसमें से टैक्स कट के मिलते थे कोई तकरीबन 2700-2600 रुपए मुझे। वैसे अच्छा, वैसे आपसे भी पूछ सकते हैं हम कि आपकी पहली सैलरी क्या थी? मैं कभी किसी के लिए काम नहीं किया। प्रोड्यूसर अमीर आदमी है नाज़रीन, प्रोड्यूसर पैसा लगाते हैं भाई। सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाले लोग, गौर से देखिए, गौर से देखिए इस जीत को। बहुत क्राइम रेट बढ़ रहा है, मत देखिए गौर से। बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं इंशाल्लाह। आप दोनों बहुत अच्छे लगे, थैंक यू सो मच। मोहसिन, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ और अपनी मधुर सी आवाज में सुना दें। पुछ काले बदला तो सीने बिच अग ला के लंघ गईया, कई बरसाता टुर गयो सजना, नींद रखो के जाग के कटिया राता, आवी जाना सता वास्ता प्यार दा, ए रुता सोनिया फिर नियाणिया तेरे बिन। वाह वाह, हो तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, हो तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। वाह 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 वाह।